चलिए बस 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 चले भाई मोबाइल कैमरा से चले। हाँ ले रहा हूँ, हो गया फोटो सबका। लाइट मार लाइट मार लाइट मार लाइट मार लाइट मार, ये हटा ना उधर जाके लेना, अच्छे से मिलेगा। ए धम्मे धम्मे धम्मे, थैंक यू। मुकेश जी देख ही नहीं रहे मुकेश। ओहो तांबे बाकी ऐसा करते हो तू, चलो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। चलो 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 ओके चलो 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 आने दो आने दो आने दो। चल बात यार बग तम्मे जोरदार मारना ना मुझे। साइड हो रहे चल चल आगे चल आगे आगे अरे दिख ही नहीं रहा इधर। कौन है पीछे मैडम भी हैं। कबीर सर साइड में चलो कबीर सर लड़के हैं पता नहीं पार्टी को फोन पे जा रहे हैं। कौन है पीछे कौन बैठा श्वेता बच्चे ने श्वेता बच्चे ने मार भुवन भाई। अरे भाई उतर के दो ना चलिए जाने दे चलिए चलो चलो भाई। हाँ मास्क पहन ले उसने। जब तक कौन आला तांबे किधर है जोनी तांबे बगर मिला चल साइड से मिला मैं साइड में आ रहा हूँ। सर पिलो 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 पे सर पिलो के साथ मैम का फोटो नहीं है मैम का पीछे 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 एक गाड़ी ट्रैफिक हो रही है ट्रैफिक हो रही है आगे लो आगे लो। मैडम है क्या ट्रैफिक हो रही है आगे आने दे आगे आने। मैडम किधर है मैडम। मैडम का पिल्लो है ऐसा हुआ नहीं पिल्लो पे मैडम का फोटो था आप पकड़ के फोटो दे दे तो ट्रायल मिस हो जाएगा। आ जाओ जाओ जाओ
अरे स्टेविन भाई लाइट दिख रहा ना इसमें। अरे उस साइड, अरे इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है। मैडम जी एक मोबाइल पीछे लेना भाई, मोबाइल पीछे लेना। कौन है ये भाई? मोबाइल कैमरा पीछे ले। हाँ ले रहा हूँ, ले रहा हूँ। हो गया फोटो सबका? पीछे 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 साथ में, साथ में, साथ में, साथ में। ये लोग मोबाइल है ना, चलो हो गया। अरे हो गया, हो गया, थैंक यू। दिख रही, दिख रही मैडम जी। भाव ही नहीं दे रही हो। अरे कौन है लेकिन? अरे मेरे को मिल ही नहीं रहा यार। अरे तू लाइट भी सीधे क्या मार रहा है यार? चलो। अरे तू ये क्या कर रहा है? मुझे भी नहीं मिल रहा है ना। क्या कर रहे हो? ये सो रहा है तांबे तो पूरा। अरे ये लाइट पर मजा अंगार टिड़ा। चलो जाने दे, जाने दे। अरे भाई सामने से बोल रहे हो। फिर ऐसे देखो कैमरे सर। हम फिल्म को देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि फिल्म में हम लाइव ही क्रिकेट देख रहे हैं। बिल्कुल भी आपको कहीं से लगेगा नहीं कि ये पाजी नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्शन 19-20 है, बाकी एग्जैक्ट। इट्स ट्रूली इनक्रेडिबल एंड आई थिंक ऑफ कोर्स रणवीर सिंह ही गेट्स इट राइट बैंग ऑन। 83 में चले गए थे हम लोग वापस। गॉर्जियस कपल रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण की द मोस्ट अवेटेड फिल्म 83 इस हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और आज हम मौजूद है उसी के प्रेस शो पर। तो आइए जानते हैं रिपोर्टर से कि उनको ये फिल्म कैसी लगती है। बहुत अच्छी है, एक भारतीय स्पोर्ट्स के इतिहास में जो सुनहरी अक्षरों से एक पन्ना लिखा गया है वो इस पे दर्शाया गया है। काफ़ी अच्छी तरह, काफ़ी रियल फैक्चुअल बताया गया है और कबीर खान जी ने कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं छोड़ा है जो एक्चुअल में नहीं है, वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। मूवी बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे मूवी। एंड रणवीर सिंह की जो एक्टिंग है, आई मीन ऐसा कि दूसरे कपिल पाजी, मतलब हम लोग देख कर आ रहे हैं दूसरे कपिल पाजी, दूसरा जो 83 का फील है, जो जिस तरीके से हम फिल्म को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा था कि फिल्म में हम लाइव ही क्रिकेट देख रहे हैं, और जिस तरीके कबीर सर ने उसको डायरेक्ट किया है, बनाया है, इट्स अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। लाइक फ्रॉम स्टार्ट टू बिगनिंग इट वॉज एन इमोशनल मूवी फुल ऑफ रिमेंबरिंग माई चाइल्डहुड डेज। अमेजिंग, इट्स अ प्राउड टू बी एन इंडियन मूवी, एवरी इंडियन मस्ट वॉच इट। आई थिंक इट्स एन इवेंट फिल्म, नॉट दैट आई वॉज होपिंग फॉर इट टू बी एनीथिंग लेंस, इट इज ब्रिलियंट। जो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है विद अ क्राउड विच इज क्लैपिंग एंड चीयरिंग आफ्टर एवरी सेक्स, आफ्टर एवरी विकेट, I think it's incredible. I don't think I've experienced something like this in a long time. Amazing. बहुत प्यारी, मतलब पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक्टर्स नहीं सारे प्लेयर्स ने मूवी मिलके बनाई है, एक भी एक्टर नहीं लग रहा है, सारे के सारे प्लेयर्स लग रहे हैं। ज़बरदस्त फिल्म है, क्या कहूँ फिल्म के बारे में। फर्स्ट हाफ मैंने देखा तो लगा कि चलो ठीक ठाक सी बनी है, इतना कुछ अच्छी है, फर्स्ट हाफ भी बहुत अच्छी है, लेकिन सेकेंड हाफ जो है वो आपको कहाँ लेकर के जाती है कुछ समझ के बाहर है। ज़बरदस्त बनाया सेकेंड हाफ, उसमें इमोशंस है, कॉमेडी है, हर चीज़ है। सेकेंड हाफ इतनी ग्रिपिंग है, एक इमोशनल राइड पर आपको लेकर जाती है, जहाँ पर आप रो रहे हो साथ ही साथ आप हंस रहे हो पूरी फिल्म में। बहुत ही इमोशनल फिल्म है, मूवी अच्छी है। क्रिकेट का जो 83 का जो वर्ल्ड कप जीता था उसकी पूरी याद दिलाती, ताज़ा करती है, और डायरेक्शन वगैरह सब अच्छा है। अमेजिंग मूवी, यू शुड वॉच दिस मूवी 100%। इट्स अ ग्रेट मूवी, बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर, इमोशंस को ज़्यादा ध्यान दिया गया है, सब कुछ सारे प्लेयर्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है। इट्स गुड टू वॉच अ मूवी। कपिल देव इज बैक। 83 में चले गए थे हम लोग वापस। बहुत बढ़िया है, बहुत डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, प्रीतम बहुत बहुत कबीर खान, मतलब बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसी मूवी दी है आपने। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक क्रिकेट
प्लेयर की मूवी इतनी अच्छी बन सकती है करके। फिल्म कैसी लगी बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मगर ऐसी फिल्म जिसकी कहानी आपको पहले से पता है, क्लाइमेक्स आपको पहले से पता है, लेकिन उसके बाद भी एक एक सीन आप इंतजार करते हो जो फिल्माया गया है, और जिस तरह से एनर्जी है, हम लोग को लग रहा था कि 83 का लाइव मैच हम स्टेडियम में बैठकर देख रहे हैं, व्हाट एल्स आई कैन से, बट एक ऐसा मोमेंट जो हम लोग सबके लिए बहुत ग्लोरियस है, आज हम सब ने उसको रिलिव किया, और वही इस फिल्म की बहुत बड़ी खासियत है। बहुत मज़ा आया, आई जस्ट अगर मैं बैक टू बैक दूसरा शो भी देख सकती हूँ एंड आई थिंक मैं उसको भी उतना ही एंजॉय करूँगी। कलाकारों का परफॉर्मेंस है, खास करके रणवीर सिंह और दीपिका और बाकी जो भी सह कलाकार हैं, उन्होंने परफेक्टली किया है। यानी एक्चुअली वो क्रिकेटर्स लगते हैं, एक्टर नहीं लगते। परफॉर्मेंस सबका ही बेटर था, जितने भी एक्टर्स हैं, उनको प्लेयर्स का जिन्होंने कैरेक्टर किया है, सब ने अपने अपने परफॉर्मेंस को बहुत बाखूबी से निभाया। अमेजिंग फॉर एवरी स्टार लाइक कपिल देव और मदन लाल और श्रीकांत, I really felt like I was watching them live in action. Amazing actions, performance by Ranveer Singh and everyone. Brilliant. मतलब it's a difficult cast, it's a difficult role to pull off because everyone is so important. But I was blown away. I mean, it's truly incredible. And I think, of course, Ranveer Singh, he gets it right bang on. Especially the way Kapil Dev smiles. I think that is so endearing the way Ranveer has done it. Yeah. Performance is amazing है क्योंकि रणवीर सिंह एक्चुअल में कपिल देव लग रहा है, किरमानी किरमानी लग रहे, गावस्कर गावस्कर लग रहे। सबसे बेस्ट पार्ट तो वो है जहाँ पे अमरनाथ, लाला अमरनाथ और मोहिंदर अमरनाथ का जो कॉन्वर्जेशन दिया है। भाई मैं 83 में पैदा नहीं हुआ था, मैं 83 में नहीं था, बट मेरे लिए 83 जिंदा हो गया फिर से। परफॉर्मेंस वाइज बहुत ज़बरदस्त काम किया है सभी ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ रणवीर सिंह ने अच्छा काम किया हुआ है। रणवीर सिंह ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कपिल देव का जो किरदार है वो निभाया है। जिस तरह से कपिल देव थे, जिस तरह से कपिल देव बात करते हैं, कपिल देव दिखते हैं, कपिल देव की मूस्टैच है, जिस तरह से वो चलते हैं, तो बहुत ही खूबी से और रणवीर सिंह ने किरदार निभाया है और वो आउट एंड आउट कपिल देव ही लग रहे हैं फिल्म में। अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छे हैं सब की जितने भी कास्टिंग लिए है, श्रीकांत है, गावस्कर, सुनील गावस्कर है, सब। श्रीकांत की रोल तो बहुत कॉमेडी है, बहुत बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। सारे 11 के 11 प्लेयर्स, 12 प्लेयर्स फॉर दैट मैटर, सबके परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, राइट फ्रॉम रणवीर की, बिल्कुल भी आपको कहीं से लगे यानी कि ये पाजी नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्शन 19-20 है, बाकी एग्जैक्ट वो थे। कितनी बार अगर आप आंख बंद करो तो आपको लग रहा कि कपिल देव पाजी आ रहे हैं। संदीप पाटिल का बेटा खुद इस फिल्म में था तो वो रुक लाइक लगा। सारे लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। दीपिका के 2-3 ही ग्लिम्सेस हैं मगर वहाँ पर वो अपना प्रभाव छोड़ने में सक्सेसफुल हुई है, तो मुझे बहुत मज़ा आया। 4 स्टार, 5 में तो 5 ही दूंगा। 10 स्टार्स आई वुड से, 50 स्टार्स, 100 स्टार्स। आई थिंक आई वुड इजीली गिव इट अ 4 सिंपली बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस टू वॉच। या 4.5। 5 में से बहुत डिफिकल्ट होगा स्टार्स देना, लेकिन मैं बिल्कुल 4 दूंगा। मैं 4-5। इस फिल्म को तो स्टार्स में बांधा ही नहीं जा सकता, जितने स्टार्स गैलेक्सी में है मेरे सारे स्टार्स 83 के लिए। वेल, हम दावे के साथ आपको ये कह सकते हैं कि रणवीर सिंह का ऐसा परफॉर्मेंस आपने कभी नहीं देखा होगा। आपने तो रिपोर्टर से ये सुन लिया कि ये मूवी कितनी अच्छी है, आप भी जाइए थिएटर्स में इस मूवी को देखिए और हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगती है। तब तक स्टे ट्यून्ड टू बॉलीवुड नाउ। दिस इज पूजा पटेल साइनिंग ऑफ विद कैमरा पर्सन फरहान।